दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सेक्स हेल्थ ज्ञान चैनल में। सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप देख सके हमारी वीडियो सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूं आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के। जी हां, आइए आज हम सभी एक अलग ढंग की जानकारी प्राप्त करते हैं। हर आदमी पेशाब करते वक्त करता है कुछ एक बड़ी गलतियां, संभल जाइए नहीं तो आपको उसका नुकसान होगा। टॉयलेट एक दैनिक क्रिया है, लेकिन बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि टॉयलेट का सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य से होता है। डॉक्टर्स के मुताबिक समय पर टॉयलेट जाना एक जरूरी प्रक्रिया है, जिससे हमारे शरीर की सारी गंदगी बाहर निकलती है। लेकिन कई बार देखा जाता है कि ऑफिस या घर में किसी काम में व्यस्त रहने की वजह से लोग अपना पेशाब काफी देर तक रोक के रखते हैं। लोग अपना काम खत्म करने के बाद ही वॉशरूम जाते हैं। इसके अलावा और भी कई चीजें होती हैं जो हमारे स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डालती हैं। आज इन्हीं के बारे में हम जानेंगे। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं पेशाब को लेकर की जाने वाली उन गलतियों की जो अमूमन हर आदमी अनजाने में ही सही लेकिन कर रहा होता है। सबसे पहली बात कि जो लोग दिन को छोड़कर रात के वक्त कई बार पेशाब जाते हैं, उन्हें सावधान हो जाने की जरूरत है, क्योंकि डॉक्टर्स के मुताबिक रात को पेशाब जाने की ये आदत ऐसे लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। पेशाब करते समय अक्सर लोग अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जो बाद में चलकर जानलेवा बीमारियों को जन्म देती हैं। सबसे पहली बात कि पेशाब को देर तक नहीं रोकना चाहिए। अमूमन देखा जाता है कि ऑफिस या घर में किसी काम में व्यस्त रहने की वजह से लोग अपना पेशाब काफ़ी देर तक रोक के रखते हैं। लोग अपना काम खत्म करने के बाद ही वॉशरूम जाते हैं, तो ऐसे लोगों को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ज़्यादा देर तक यूरिन या पेशाब रोकने से किडनियों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इससे किडनियों के खराब होने का खतरा बढ़ जाता है और ऐसा करने से कई प्रकार की बीमारियों के होने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसके अलावा आवश्यकता से कम पानी पीना। अगर आप किसी डॉक्टर से पूछेंगे कि स्वस्थ रहने के लिए सबसे जरूरी क्या है, तो उसका जवाब यही होगा कि पौष्टिक आहार और उचित मात्रा में पानी पीना। यानी पानी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, बिना पानी के जीवन संभव ही नहीं है। डॉक्टर्स बताते हैं कि एक व्यक्ति को दिन में कम से कम 10 से 12 ग्लास पानी पीना ही चाहिए, लेकिन लोग अपनी व्यस्तता के कारण ऐसा नहीं कर पाते हैं और शरीर को उचित मात्रा में पानी नहीं मिल पाता है। इसके अलावा पेशाब का पीला होना एक आपके लिए संकेत की तरह है। जी हाँ, ऐसे लोग जो बहुत कम पानी पीते हैं, उन्हें अक्सर पीले पेशाब आने की शिकायत होती है। अपने स्वास्थ्य की जांच का सबसे अच्छा तरीका पेशाब की जांच कराना है। आपने भी देखा होगा कि डॉक्टर्स ज़्यादातर बीमारियों में पेशाब की जाँच कराने की सलाह देते हैं। दरअसल आप अपने पेशाब के रंग देख करके जान सकते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा है। अगर पेशाब का रंग नॉर्मल है तो आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, लेकिन पेशाब का रंग पीला है तो आपको सावधान हो जाने की ज़रूरत है। इसके अलावा कुछ एक छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। UTI यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एक ऐसी गंभीर बीमारी है जिसमें महिलाओं के पेशाब में काफ़ी अधिक बदबू आती है। इस बीमारी में महिलाओं को जलन भी होती है। UTI का संक्रमण पेशाब की थैली में होता है, इसीलिए ऐसी समस्या में तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। ये बातें भले ही छोटी छोटी हैं, लेकिन इन्हें नज़रअंदाज करने से आप भयंकर बीमारियों के करीब जा सकते हैं, इसीलिए इन छोटी छोटी बातों को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए। अगले एपिसोड में हम आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।